अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। हापुड़ में अधिवक्ताओं पर हुए लाठीचार्ज के खिलाफ आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अधिवक्ताओं ने जुलूस निकालकर शक्ति प्रदर्शन किया। हापुड़ के साथ ही मेरठ के प्रमुख चौराहे बेगमपुर में बच्चा पार्क पर विरोध प्रदर्शन करते हुए अधिवक्ताओं ने जाम लगा दिया। हाईकोर्ट बेंच स्थापना केंद्रीय संघर्ष समिति पश्चिमी उत्तर प्रदेश के चेयरमैन कुंवर पाल शर्मा ने इस मौके पर कहा कि हापुड़ में हुए अधिवक्ताओं पर लाठी चार्ज को यदि मोदी सरकार ने गंभीरता से लेते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं की तो अधिवक्ता सरकार को वोट की चोट देने के लिए तैयार है। इस चेतावनी के बाद यह तो स्पष्ट है कि 2024 के निकटवर्ती चुनाव को देखते हुए सरकार कोई भी जोखिम नहीं उठाना चाहिए। अभी तक इस प्रकरण में 151 पुलिसकर्मियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हो चुकी है। इनमें पुलिस क्षेत्राधिकारी समेत 53 पुलिसकर्मियों को नामजद किया गया है। पहले देखिए हापुड़ में अधिवक्ताओं के विरोध प्रदर्शन को। यहाँ चौराहे पर अधिवक्ताओं ने मानव श्रृंखला बनाते हुए यातायात जाम कर दिया। इस बीच आज सुबह मेरठ में भी अधिवक्ताओं ने कचहरी परिसर से शुरू होकर बेगमपुर बच्चा पार्क इव्स चौराहा होते हुए विरोध जुलूस निकाला। देखिए फर्स्ट बाइट टीवी के कैमरे की नजर से अधिवक्ताओं का विरोध प्रदर्शन। इस मौके पर हाईकोर्ट बेंच स्थापना के केंद्रीय संघर्ष समिति पश्चिमी उत्तर प्रदेश के चेयरमैन कुंवर पाल शर्मा ने फर्स्ट बाइट टीवी से यह कहा। मैं कुंवर पाल शर्मा सेंट्रल एक्स कमेटी का चेयरमैन मेरठ बार एसोसिएशन का अध्यक्ष। आज हमारा 19 अगस्त को यह तय हुआ था कि हमें हाईकोर्ट बेंच के लिए रोड मार्च करना है, तो हमारा रोड मार्च कचहरी से लेकर बेगमपुर पर 20 मिनट हमने जाम किया। उसके बाद बच्चा पार्क पर हमने 10 मिनट जाम किया। उसके बाद हम NIS चौराहे से होते हुए और अम्बेडकर चौराहे पर आए हैं और अब हम कचहरी के अंदर जा रहे हैं। और हमारा कहना ये है कि क्या कहते हैं, मोदी जी होश में आए और इस हापुड़ के कांड में तुरंत निर्णय लें। अगर उन्होंने नहीं लिया तो उन्हें कुर्सी से जाना पड़ेगा। हम वोट की चोट देने को तैयार हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट।